हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अनिकेत पाठक आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, कैसे होंगे? चलिए, आप लोग अच्छे होंगे तो हम भी अच्छे हैं। प्यारे बच्चों, इससे पिछले वाली क्लास में हम लोगों ने फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध ज्ञात कर लिए थे। बता दिया गया था कि किसी भी अवतल दर्पण या गोली उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। प्यारे बच्चों, आज की जो हेडिंग है वो आपके बोर्ड पेपर में 7 नंबर से कम नहीं पूछे गए हैं। प्यारे बच्चों, हमेशा जो है ये प्रश्न जब आता है तब 7 नंबर के पूछे जाते हैं। एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है, समझिएगा प्यारे बच्चों, एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर ये आपको आ गए तो प्यारे बच्चों, हाई स्कूल के साइंस में फिजिक्स के पेपर में 7 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, वो हेडिंग क्या है आपके जानने की इच्छा है तो हेडिंग हमने लगा के रखा है, गोली दर्पण के लिए UVF में संबंध अवतल दर्पण के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। जिस प्रकार अवतल दर्पण के लिए निकाला जाता है वही उसी प्रकार उत्तल दर्पण के लिए भी हम लोग निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों, टाइम का कम लेने की वजह से हमने पहले से डायग्राम बना के रखा है। आइए डायग्राम को समझाते हैं। क्या है प्यारे बच्चों कि माना कोई वस्तु अनंत दूरी पर है। कहाँ पर है प्यारे बच्चों? अनंत पर है। अब इससे निकलने वाली जो प्रकाश किरणें हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश किरणें चली और दर्पण से टकराई तो कहाँ से होकर गई? मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। फिर क्या हुआ कि एक प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से होकर गई तो जिस मार्ग से गई हैं पुनः उसी मार्ग में वापस लौट आएंगी। तो ये दोनों एक दूसरे को जहाँ पर काटती हैं वहीं वस्तु का क्या बन जाता है? प्रतिबिंब बन जाता। तो प्रतिबिंब बन गया A'B'। प्यारे बच्चों, फिर हमने क्या किया, एक लंब खींचा यम से यन पर, एक यम से लंब खींचा जो कि एन पर काटता है। तो जो रचना किए हो वो लिख लेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात रचना क्या की हो। या अब चलिए एक बात और समझते हैं। प्यारे बच्चों, जहाँ वस्तु रखा जाता है ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं? U से व्यक्त करते हैं। प्यारे बच्चों, यानी मान लिए कि ध्रुव से लेके वस्तु की दूरी क्या है? U है। और ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, जहाँ प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब की दूरी किससे व्यक्त करते हैं? प्यारे बच्चों, V से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? V से। और P और F के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। P और F के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। प्यारे बच्चों, और C और P के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। प्यारे बच्चों, चलिए अब हम लोग अपने डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। अपने इस अवतल दर्पण के लिए UVF में जो संबंध आएगा उसको हम लोग ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहला बात प्यारे बच्चों, दो त्रिभुज आपको दिखाई पड़ रहे हैं। एक त्रिभुज है ABC, अगला है A'B'C, फिर से ABC A'B'C। प्यारे बच्चों, आपने कक्षा 10 की क्लास में पढ़ा होगा, यदि कोई दो त्रिभुज एक कोई त्रिभुज क्या है? प्यारे बच्चों, ऐसे समझिएगा, ये नियम आपके लिए ज़रूरी है। कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा, जो बच्चे मैथ नहीं लिए वो बेचारे क्या करेंगे। तो ABCPQR दो त्रिभुज हो गए। प्यारे बच्चों, अब हमने कहा कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है। क्या है प्यारे बच्चों? समरूप है। क्या है प्यारे बच्चों? समरूप है। मैंने क्या बताया कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या है? समरूप है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। यानी जैसे त्रिभुज ABC है वैसे ही त्रिभुज PQR है। तब क्या होगा जानते हो प्यारे बच्चों? तब समरूपता के नियम से जो ये AC है, जो ये AC है, AC का अनुपात किसके बराबर? AC/PR। प्यारे बच्चों, AC/PR, AB/PQ, AB/PQ और बराबर क्या होगा? BC/QR। प्यारे बच्चों, जरा सा समझिएगा क्या कहने का मतलब है। कहने का मतलब है जब दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं, जब दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का मतलब जो भुजा आप इधर ले रहे हो वो भुजा इधर लेंगे, जो भुजा आप इधर लोगे वो भुजा इधर लेंगे, जो ये लेंगे ये, तो इनके भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है? बराबर होता है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग इतना ही आपको बताएंगे। बाकी और डिटेल से जानकारी हमारे इस चैनल पर मैथ की क्लासेस भी चलाई जाती हैं, तो मैथ की क्लासेस पे जब हम लोग इस अध्याय पे पहुंचेंगे तो आपको वहां पर बता दिया जाएगा क्या होता है। प्यारे बच्चों, तो चलिए आइए हम लोग अपने डेरिवेशन की तरफ चलते हैं, इस संबंध के निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला लेंगे त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC तथा अगला त्रिभुज A'B'C तथा त्रिभुज A'B'C
एक दूसरे के क्या हैं प्यारे बच्चों, समरूप हैं, एक दूसरे के समरूप हैं। तो प्यारे बच्चों अभी हमने बताया समरूपता का नियम, जब समरूप हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात, तो देखिए इधर की भुजा ले रहे हैं ए बी, तो ए बी, तो इधर की भुजा क्या हो जाएगी ए डैश बी डैश बराबर, इधर की भुजा ए सी ले रहे हैं तो इधर की भुजा क्या हो जाएगी ए डैश सी, तो प्यारे बच्चों ए सी बटे ए डैश क्या हो जाएगा सी, समीकरण नंबर क्या हो गया फर्स्ट हो गया प्यारे बच्चों। अब अगला त्रिभुज लेते हैं, अगला त्रिभुज कौन है प्यारे बच्चों, एम एन एफ त्रिभुज, यम एन एफ तथा अगला त्रिभुज लीजिए ए डैश एफ ए डैश बी, बी डैश ए डैश एफ त्रिभुज बी डैश ए डैश एफ एक दूसरे के समरूप हैं, क्या है प्यारे बच्चों एक दूसरे के समरूप हैं, क्या है समरूप हैं। तो समरूपता के नियम से फिर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान समझिएगा, इधर वाली ये भुजा ले रहा है यमयन, तो इधर की भुजा हो जाएगी ए डैश बी डैश, तो यमयन बटे क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा क्या हो जाएगा, इधर की भुजा या फिर ले रहे हैं तो इधर की भुजा ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी एफ एन बटी क्या हो जाएगा ए डैश एफ। यही प्यारे बच्चों मानते हैं यदि दर्पण अत्यंत क्या हो सूक्ष्म हो, यदि दर्पण अत्यंत क्या हो सूक्ष्म हो, अत्यंत सूक्ष्म हो तब तब क्या होगा प्यारे बच्चों, तब जो ये जो आपकी ये दूरी है जो यन है वो कहाँ पहुँच जाएगा पी के पास, तो यन जो है लगभग पी के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, लगभग किसके बराबर हो जाएगा पी के बराबर हो जाएगा। तब इस समीकरण को हम लोग कैसे लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, तो इस समीकरण को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, चलिए लिखते हैं यमयन बटे क्या है प्यारे बच्चों ए डैश बी डैश है, फिर क्या है यहाँ यफयन, तो यफयन यफ यन के स्थान पे यफ पी हो जाएगा प्यारे बच्चों, और ए डैश यफ, तो ए डैश क्या आ गए यफ आ गए प्यारे बच्चों। ध्यान से समझिए, चित्र से देख पा रहे होंगे कि जो यमयन है वो ए बी के बराबर है, यमयन जितना है उतना ए बी है, तो यहाँ लिख सकते हैं यमयन बराबर क्या है ए बी, अगर कहीं भूल जाइएगा प्यारे बच्चों तो कहाँ से देखे हो चित्र से देखे हो, तो यमयन के स्थान पे क्या हो जाएगा ए बी बटे क्या आ जाएगा ए डैश बी डैश बराबर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों एफ पी बटे क्या आ जाएगा ए डैश एफ, समीकरण नंबर क्या आ गया दो। प्यारे बच्चों अगर हम आपसे कहें समीकरण एक और दो की क्या करते हैं तुलना करते हैं, किसकी तुलना करते हैं प्यारे बच्चों समीकरण एक और दो, तो देखिए समीकरण दो, समीकरण एक को देखिए एक पक्ष आपस में बराबर है, इसका ये वाला पक्ष और ये वाला पक्ष मिल रहे हैं बराबर हैं, तो ये भी पक्ष आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, तो लिख सकते हैं समीकरण एक व दो से, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, यह भी लिखा जा सकता है कि समीकरण एक से, समीकरण एक से ए बी बटे ए डैश बी डैश का मान समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो में रखने पर, तो रख दीजिएगा प्यारे बच्चों समीकरण एक से, तो समीकरण एक से क्या है ए बी बटे ए डैश बी बराबर क्या है प्यारे बच्चों, इसके स्थान पर लिख देंगे ए सी बटे क्या लिख देंगे ए डैश सी बराबर क्या है एफ पी बटे ए डैश एफ, समीकरण नंबर क्या आ गया प्यारे बच्चों तीन आ गए। अब हम क्या लेते हैं उचित चिन्ह और परिमाण लेने पर, तो प्यारे बच्चों जरा सा सोचिए जरा सा क्या किया जा सकता है, अब आइए हम लोग ध्यान से समझते हैं कि ए सी क्या हमको ए सी की दूरी पता है प्यारे बच्चों, नहीं पता है ए सी हमको नहीं पता, पर ए से लेके पी के बीच की दूरी पता है प्यारे बच्चों, ए से लेके पी के बीच की दूरी पता है, अगर हमको क्या निकालना है ए सी निकालना है, क्या निकालना है प्यारे बच्चों ए सी निकालना है, तो ए सी निकलेंगे कैसे सोचिए, ए सी कहाँ से निकलेगा प्यारे बच्चों, अगर हम कहें आपसे कि क्या कह देते हैं कि अगर हम आपसे पूछें ए पी में से पी सी घटा दे, ए पी दूरी में से ऐसे समझिए इसको, ये दूरी कितनी है ए है और ये दूरी सी है, ये दूरी क्या है पी है प्यारे बच्चों, अगर हम आपसे पूछें यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है यू है
और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी r है। प्यारे बच्चों मैं आपसे पूछूँ, मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी चाहिए, तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि AP में से अगर ये दूरी काट के निकाल दें, इतनी दूरी बाहर कर दें, इतनी दूरी बच जाएगी, तो वही प्रोसेस हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ के लिए भी। क्या होगी, जो AC है वो किसके बराबर होगा, AP माइनस PC। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, AC बराबर क्या लिखा जा सकता है, AP माइनस PC। फिर से समझिए, AP A से लेके P फिर PC। प्यारे बच्चों ये हो गए। अब हम क्या करते हैं, अगले तरफ चलते हैं, ए डैश सी को देखते हैं। तो ए डैश सी कहाँ है प्यारे बच्चों, यहाँ आप लिखना चाहो तो लिख दीजिएगा, उचित चिन्ह व मान लेने पर, उचित चिन्ह व मान रखने लेने पर। ठीक प्यारे बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं आप। अब ए डैश सी देखिए, ए डैश सी, तो ए डैश सी यानी ये दूरी, ये छोटी वाली दूरी, तो ए डैश सी कहाँ से मिलेंगे प्यारे बच्चों, पूरे पी सी में से ए डैश पी घटा देंगे, तो ए डैश सी बराबर पी सी माइनस, देखिए प्यारे बच्चों ए डैश सी ये दूरी चाहिए तो पूरा इसको इसमें से घटा देंगे, तो पी सी माइनस क्या आ जाएगा, ए डैश पी आ जाएगा प्यारे बच्चों। अब क्या करते हैं, एफ पी, एफ और पी के बीच की दूरी आपको पता है, इसको नहीं कुछ करना है, ए डैश एफ, ए डैश एफ यानी ये वाली दूरी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ए डैश पी में से एफ पी घटा देंगे, तो ए डैश एफ बराबर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, समझिएगा, ए डैश पी माइनस कितना हो जाएगा, एफ पी, ये आ गए प्यारे बच्चों। ये सब मान समीकरण तीन में रखने पर, ये सब मान समीकरण तीन में रखने पर, तो प्यारे बच्चों रखते हैं जरा सा, आइए क्या रखा जा सकता है, आप अगर थोड़ा सा इसको और शॉर्ट बनाना चाहते हो तो बना सकते हो प्यारे बच्चों। क्या रखोगे, एपी, एपी कितना है प्यारे बच्चों, देखिए ए से लेके पी के बीच की दूरी कितनी है, यू है, तो क्या लिख देंगे, यू लिखेंगे, और क्या लिखो, उचित चिन्ह, चिन्ह परिपाटी। तो मैंने कल बताया था, इससे पिछले वाले क्लास में बता के रखा है प्यारे बच्चों, कि यदि प्रकाश किरणें इधर की तरफ जाएंगी और आप इधर दूरी नापोगे तो सदैव वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा, या ध्रुव के बाएं तरफ की दूरियां, ध्रुव के बाएं तरफ की दूरियां सदैव क्या होती है, ऋणात्मक होती है, तो प्यारे बच्चों यू क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चलिए फिर पी सी, पी और सी के बीच की दूरी क्या है प्यारे बच्चों, आर है, क्या है, आर है, तो ध्यान से समझिएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सभी दूरियां ध्रुव के बाएं तरफ की है, तो माइनस, ये माइनस 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 क्या हो गए, प्लस आर हो गए प्यारे बच्चों, ये बात समझिएगा, माइनस आपकी वक्रता त्रिज्या है और ये माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए प्यारे बच्चों। इसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं, पी सी, पी सी के बीच की दूरी क्या है, माइनस आर होगा, क्यों होगा, क्योंकि बाएं तरफ की दूरी है ना प्यारे बच्चों। अगला ए डैश पी, तो ए डैश पी के बीच की दूरी वी है, ये भी माइनस होगा, पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार इसको रखते हैं प्यारे बच्चों, ए डैश पी, ए डैश पी, तो ए डैश पी की दूरी कितनी है, वी है, पर यहाँ माइनस वी हो जाएगा प्यारे बच्चों। फिर अगला है एफ पी, तो एफ पी के बीच की दूरी स्मॉल एफ है, पर ये भी माइनस होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सब क्यों सब माइनस हुए प्यारे बच्चों, क्योंकि सभी दूरियां बाएं तरफ हैं और सभी दूरियां बाएं तरफ की जो दूरियां होती हैं सदैव धनात्मक होती है। अब रखो प्यारे बच्चों, तो एसी, एसी के स्थान पे क्या रखोगे, माइनस यू प्लस आर बटी ए डैश सी, ए डैश सी का मान कितना है, माइनस आर प्लस वी। एफ पी, एफ पी का मान अभी आपने रखा, एफ पी का मान कितना है प्यारे बच्चों, माइनस एफ है, यही आप रखना चाहो, देख लीजिएगा, फिर से समझा दे रहे हैं, एफ पी, एफ पी के बीच की दूरी एफ है, तो इधर की दूरी है तो माइनस हो जाएगा। फिर ए डैश एफ, तो ए डैश एफ बराबर कितना है, माइनस वी प्लस एफ। क्या करते हैं प्यारे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो चलिए माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, तो माइनस माइनस क्या होगा प्यारे बच्चों, प्लस होगा, तो यू वी हो जाएगा। फिर इनका मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों इनसे, तो इनका मल्टीप्लाई करोगे इनसे तो माइनस वी आर आ जाएगा। फिर इनका मल्टीप्लाई इनसे करोगे तो माइनस यू एफ आ जाएंगे, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आर एफ आ जाएंगे बराबर। माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, तो आर एफ इधर आ गए।
फिर इनका मल्टीप्लाई यहाँ से करोगे माइनस वी एफ आ गए प्यारे बच्चों। अब देखिए क्या करते हैं, आर एफ से आर एफ क्या हो गए कैंसिल हो गए, इधर क्या बचा यू बी माइनस वी आर, फिर यहाँ माइनस यू एफ बराबर कितना आ गया माइनस वी एफ आ गया, कितना आ गया प्यारे बच्चों माइनस वी एफ आ गया, ये आ गया प्यारे बच्चों ध्यान से समझिए ये आ गए माइनस वी एफ। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, आप यहाँ जो आर आया है इस आर को हटा देंगे, क्योंकि हमने कल ही पढ़ा था आर बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों टू एफ होता है, आर बराबर क्या होता है टू एफ होता है, तो आर के स्थान पर हम लोग क्या रख देंगे टू एफ, तो प्यारे बच्चों आर के स्थान पर टू एफ रखेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस वी आर, आर के स्थान पर क्या रख देंगे टू एफ रखेंगे माइनस यू एफ बराबर माइनस वी एफ, तो प्यारे बच्चों ये 2vf है हम उसको उधर कर देंगे उसका क्या कर देंगे पक्षांतर कर देंगे बच्चों, तो चलिए करते हैं तो क्या आ गया ub माइनस, तो ये माइनस uf लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं प्यारे बच्चों uf लिखते हैं बराबर ये आपका माइनस vf है। अब आपने क्या किया इसका पक्षांतर की हो तो ये माइनस टू वी एफ उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस टू वी एफ आ जाएगा प्यारे बच्चों, टू वी एफ में से एक वी एफ घट जाएगा, जैसे टू एक्स में से एक एक्स घटाते हो तो एक्स आता है उसी प्रकार टू वी एफ में से एक वी एफ घटा दोगे तो क्या आ जाएगा वी एफ आ जाएगा, इधर क्या आ गए यू बी माइनस यू एफ। प्यारे बच्चों यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देने की बात है, क्या करते हैं दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग देने पर, तो बच्चों भाग दीजिएगा चलिए क्या है यू वी है बटे क्या लिख देंगे यू बी एफ माइनस यू एफ है बटे यू वी एफ बराबर वी एफ है बटे यू वी एफ हो गए। प्यारे बच्चों जो कुछ कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल कर सकते हो, यू से वी यू बी कट गए यू यू एफ एफ वी वी एफ एफ क्या बचे प्यारे बच्चों यहाँ एक बटे क्या बचा है एफ बचा है, यहाँ क्या बचा है एक बटे वी बचा है, यहाँ क्या बचा है एक बटे यू बचा है। प्यारे बच्चों अगर हम इनका पक्षांतर कर दें तो एक बटे एफ बराबर क्या हो जाएगा एक बटे यू प्लस एक बटे वी, तो एग्जाम के दृष्टि से प्यारे बच्चों ये जो हेडिंग इतनी महत्वपूर्ण है उसका आज हम लोगों ने सबसे सरल लैंग्वेज में डेरिवेशन कर लिए हैं प्यारे बच्चों, और कहीं हमने 60 तरीके नहीं अपनाए हैं कि जिससे आपको न समझ में आए। प्यारे बच्चों कभी कभी प्रश्न पूछता है इनका अर्थ बताइए इनके संकेतों का अर्थ बताइए, तो प्यारे बच्चों एफ क्या होती है फोकस दूरी होती है, क्या होती है प्यारे बच्चों फोकस दूरी होती है, यू क्या होती है ध्रुव से वस्तु की दूरी, किसकी दूरी भैया प्यारे बच्चों ध्रुव से वस्तु की दूरी, ध्रुव से वस्तु की दूरी होती है, फिर प्यारे बच्चों v क्या होता है प्रतिबिंब की दूरी होती है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी ये होती है प्यारे बच्चों। तो जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग थी वो आज हम लोगों ने आपके सामने बता दिया है प्यारे बच्चों, अगर कहीं भी पूरे इस डेरिवेशन करते समय कहीं भी एक वर्ड में आपको अगर लगे कि प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा प्यारे बच्चों, और इस क्लास को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और बोर्ड के पेपर में ये 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों, कितने नंबर के 7 नंबर के, तो ये 7 नंबर जब आप पा सकते हो तो आपका फर्ज बनता है कि आपके दोस्त आपके मित्रों को भी एक क्लास ज्वाइन करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।